दोस्तों आपको पता है यही वो जगह है जहाँ ताजमहल बनने वाला था। हाँ यही वो जगह है जहाँ ताजमहल बनने वाला था। तो ये वो जगह है जब मुमताज को मरने के बाद 6 महीने के लिए यहाँ रखा गया था बरानपुर के अंदर, जो कि आपको ताप्ती नदी के करीब दिखेंगे। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूँ बरानपुर में और मैं आपको ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहाँ बहुत कम लोग आते हैं। जी हाँ, ये है बेगम मुमताज महल की कब्र। अब आप बोल रहे होंगे कब्र तो आगरा में है। मैं आपको बता दूं, जो एक्चुअल कब्र है, जो सबसे पहले जब दफनाया गया था, वो थी बरानपुर में यहाँ। इसके बाद आगरा उनको लेके गया है। मगर मैं आपको बता दूं, ये जो कब्र है ये आपको ताप्ती नदी के किनारे दिखेंगी, ठीक है। और ये ऐसी जगह है, यहाँ आने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, कम से कम 20 से 25 मिनट में घुमा हूँ, ये इतने अंदर है। तो मैं आपको मुमताज़ महल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूँ। मुमताज़ महल की डेथ 40 साल की उम्र में 14वें बच्ची को जन्म देते वक्त हुई थी और उनको यहाँ दफनाया गया था उस वक्त। और उस वक्त यहाँ प्लान बनाया गया था ताजमहल बनाने का। तो बहुत सारी चीज़ें बरानपुर में करने का सोचा गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ ताजमहल नहीं बन पाया। तो अभी हम अंदर चलता हूँ, मैं आपको कब्र बताता हूँ जहाँ सबसे पहले मुमताज़ महल को दफनाया गया था। तो ये बोट है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम अंदर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कब्र। तो दोस्तों अभी हम वहाँ से आए, ठीक है, और ये गेट है अंदर, चलिए अंदर चलते हैं। गेट में एंटर होने के बाद मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ है, थोड़ा गार्डन टाइप है। और सबसे पहले हमें जो चीज़ देखने मिलती है ये मस्जिद है, ठीक है, देखिए। चलिए चलते हैं, करीब से देखते हैं मस्जिद को। ये मस्जिद है, इसमें अभी भी नमाज पढ़ी जाती है। आप देखिए, ये उस वक्त की मस्जिद है जिस वक्त मुमताज महल की डेथ हुई थी, तब ये ऐसा कुछ बना हुआ है, देखिए। तो दोस्तों ये मस्जिद जो मैंने आपको बताया, और इसके सामने आप देखेंगे एक हौज है इसका, ठीक है, उस वक्त ये ऐसा है। तो अब वहाँ है जो मुमताज़ बेगम, जो कि शाहजहाँ की पत्नी की एक्चुअल कब्र, जहाँ सबसे पहले इन्हें दफनाया गया था। चलिए हम वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो जगह है, ये जगह ये ताप्ती नदी के पास है, और इसके पीछे आप देखेंगे वो साइड में, इसके पीछे वो शाही किला है, जो नदी की ये साइड इन्हें दफनाया गया था शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ को। चलिए अब अंदर चलते हैं। दोस्तों चलिए हम बताता हूँ मैं आपको 6 महीने के लिए मुमताज़ को कहाँ रखा गया था। चलिए आप, मैं आपको बता दूँ, जो 6 महीने के लिए मुमताज़ महल को अस्थायी रूप से यहाँ रखा गया था, देखिए यहाँ रखा गया था 6 महीने के लिए। और कहते हैं इन्हें दफनाया नहीं गया था, इन्हें एक ताबूत के अंदर मसालों से लगा के रखा गया था, और 6 महीने के बाद आगरा लेकर गए थे, और फिर बाद में वहाँ ताजमहल बना। तो ये वो जगह है जब मुमताज़ को मरने के बाद 6 महीने के लिए यहाँ रखा गया था बरानपुर के अंदर, जो कि आपको ताप्ती नदी के करीब दिखेंगे। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको यहाँ 2 पुल दिखेंगे, ठीक है, और ये जगह आपको ऐसी बनी हुई दिखेंगी पूरी। और ये तो मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, मैं आपको नीचे अंदर लेकर जाके बताता हूँ किस तरीके से ये जगह है, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है वो जगह पे जब 6 महीने के लिए
मुमताज़ को रखा गया था। ये नीचे से रास्ता है, चलिए अंदर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये झुक के चलना पड़ रहा है, बहुत छोटा रास्ता है ये, आप देख सकते हैं। उस वक्त ये बनाया गया था। तो भाई साहब अब आ गए अंदर। तो ये वो जगह है जहाँ 6 महीने के लिए मुमताज़ को रखा गया था। अब ये दफनाया गया था कि नहीं गया था, कि ताबूत में बांध के रखा गया था, ये दो अलग अलग बातें। उसमें मैं आपको एकदम मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, मगर ये कंफर्म है उनकी जब यह डेथ हुई थी उनको यहाँ रखा गया था बरानपुर में 6 महीने के लिए, और ताजमहल बनाने का प्लान भी यही था बरानपुर में। और आप बरानपुर को देखेंगे, ये एक बहुत ऐतिहासिक शहर है, यहाँ आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखेंगी पुरानी टाइम की जो बनी हुई है, वो मुगल इरा की हो या फारूकी डायनेस्टी की हो, तो आपको यहाँ देखने मिलेंगी, या फिर वो ब्रिटिश की हो। तो ये वो जगह है, देखिए आप इस जगह पे। आपको अभी तो कुछ लोकल लोगों ने यहाँ थोड़ा फूल वगैरह लगाए हैं, इसको डेवलप करने की कोशिश की गई है, और ये जगह को एज अ यादगार बना बताने के लिए इसको रखा गया है। तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ इन्हें रखा गया था कि दफनाया गया था, रखा ही गया होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनको दफनाने का जो काम था फिर उन्होंने आगरा में दफनाया, मगर 6 महीने तक वो यहाँ थी। अपने 40 साल की उम्र में 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज का देहांत हुआ था, डेथ हुई थी। और यहाँ एक मस्जिद भी है जो मैंने आपको बताया था, वो मस्जिद भी उस वक्त की बनी हुई है। दोस्तों आपको पता है यही वो जगह है जहाँ ताजमहल बनने वाला था, हाँ यही वो जगह है जहाँ ताजमहल बनने वाला था, मगर यहाँ बन नहीं पाया क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें दीमक होती है, और ये पानी जो तापती रहती है ये जल्दी से सूख जाती है, तो इसके कारण यहाँ नहीं बना पाए। इसका जो प्लान था वो आगरा में शिफ्ट किया गया और वहाँ बनाया गया ताजमहल। तो दोस्तों ये है, ठीक है, हम ये रोड से आए हैं, ये रोड से हम आए हैं, आप देख सकते हैं ये वाले रोड से हम आए हैं, और ऐसा कुछ ये जगह है पूरी, आप देखेंगे जो कि इनको पूरी अभी बाउंड्री वॉल बना लिया गया है, और थोड़ा यहाँ कंस्ट्रक्शन इसको डेवलप करने का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा फाउंटेन वगैरह टाइप बनाने का चल रहा है। तो ये इस तरीके से इसको अभी और डेवलप करा जा रहा है। ये जहाँ मुमताज़ की जहाँ कब्र थी, कब्र 6 महीने के लिए यहाँ रखा गया था, कब्र तो थी, क्या दफनाया गया या नहीं गया था वो अलग इशू है, वो अलग बात है, मगर 6 महीने तक उनको यहाँ रखा गया था ये कन्फर्म है। तो दोस्तों मैं ये व्लॉग में यही ख़त्म करता हूँ, अब मिलते हैं नए व्लॉग पे नई जगह। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।